भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, लेकिन उस बीच मतदान की शपथ। भरतपुर में आयोजित कार्यक्रम में पहले योग देखने को मिला और फिर देखने को मिली ये शपथ। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित हुए कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा ने कार्यक्रम में मौजूद सभी को इसी वर्ष यानी 2023 में होने वाले विधानसभा के चुनाव को देखते हुए मतदान करने की भी शपथ दिला दी। यानी एक तीर से दो निशाने। इसके साथ ही जिला मुख्यालय पर योग शिविर का आयोजन भरतपुर पुलिस परेड ग्राउंड में किया गया था। योग शिविर में प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, आमजन सहित सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुषों ने भाग लिया था। जो योग दिवस है उसके उपलक्ष्य में आयुर्वेद विभाग के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसमें प्रजापति ब्रह्म कुमारी जो है आपकी तरफ से भी इसमें जो है वो प्रवेश दिए गए। मैं समझता हूँ हम सबको आज के दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि जो है योग है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, निरोग रहने आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। तो आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू।